नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। दीपावली के 15 दिनों के बाद देव दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर काशी में काफी जोर शोर से इस पर्व को मनाया जाता है। काशी के हर घाट हर गली को दीपों से सजाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला देव दीपावली का ये पर्व इस बार 7 तारीख को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इसी दिन सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा स्नान करके इस पर्व को मनाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर देव दीपावली का ये पर्व काशी में इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पड़ने वाले देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिपुरारी पूर्णिमा के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था जिसके अत्याचारों से हर कोई परेशान हो गया था। ऐसे में हर कोई चाहता था कि उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। ऐसे में भगवान शिव की आराधना की गई और फिर उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया और हर किसी को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने जब इस राक्षस का संहार किया तो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। राक्षस के वध के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न होकर काशी आए थे और दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी कारण हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में दीपोत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली इस बार 7 नवंबर को मनाई जा रही है। इस दिन पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय से विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। देव दीपावली के दिन करें ये उपाय। कार्तिक माह या देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को बांध दे। इसे घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी और घर से दरिद्रता भी दूर होती है। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन तुलसी के 11 पत्ते लेकर आटे के बर्तन में डालकर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभ परिवर्तन दिखाई देते हैं। देव दीपावली एकादशी, अनंत चतुर्दशी, देवशयनी, देव उठनी, दिवाली, खरमास, पुरुषोत्तम मास, तीर्थ क्षेत्र पर्व आदि खास मौकों पर विष्णु सहस्रनामा का पाठ करने से सारी बाधाओं का नाश होता है। नौकरी या कारोबार में तरक्की के लिए देव दीपावली के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। ऐसा करने से कारोबार में उन्नति होती है और नौकरी में प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। देव दीपावली के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने या करवाने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद दीप दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दीप दान करने का फल 10 यज्ञों के समान होता है। देव दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद गंगा नदी के किनारे लाखों दिए जलाए जाते हैं। इस साल देव दीपावली का त्योहार 7 नवंबर को यानी सोमवार को मनाया जा रहा है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है जिस कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं देव दीपावली का शुभ मुहूर्त, योग और दीपदान का महत्व। दीपदान करने से मिलता है पुण्य। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन दीपों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन गंगा स्नान करने का भी विधान है। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को अन्न, धन, वस्त्र आदि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा को गंगा स्नान, जप तप, पूजन कीर्तन और दाने पुण्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह भगवान कार्तिक के द्वारा की गई साधना का माह माना जाता है। पूर्ण सद्गुण की प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्तिक की पूजा की जाती है। एक दिन पहले मनाई जा रही है देव दीपावली। चंद्र ग्रहण के कारण इस साल काशी में देव दीपावली का त्योहार एक दिन पहले मनाया जा रहा है। काशी परिषद के विद्वानों और ज्योतिषियों ने यह निर्णय लिया है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है लेकिन देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। मोक्ष के बाद देव दीपावली मनाई जाती है लेकिन ग्रहण काल में गंगा तट पर लाखों की संख्या में लोग स्नान को जुटते हैं। देव दीपावली पर देशी विदेशी पर्यटकों के साथ लाखों की संख्या में स्थानीय लोग उमड़ते हैं। इस भीड़ को संभाल पाना असंभव है। इसका समाधान पाने के लिए
अधिकारियों ने एक पखवाड़े से अधिक समय तक विशेष विशेषज्ञों से संपर्क किया। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु सहित अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने 7 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाने की सहमति दी। 10 लाख दियों की जगमगाहट से काशी के घाट बनाएंगे रिकॉर्ड। देव दीपावली पर इस बार वाराणसी के सभी घाटों को 10 लाख दियों से रोशन कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं नवे भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिव्य और अलौकिक रूप देने के लिए फूलों से सजाया जाएगा। सरकार की ओर से इसके लिए 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पूरे विश्वनाथ धाम परिसर की 2 दिन तक सजावट की जाएगी। काशी की देव दीपावली पूरी दुनिया में विख्यात है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस महा उत्सव के दौरान बनारस के सभी घाटों को लाखों दियों से रोशन किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश की बड़े संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं। काशी आने वाले पर्यटक श्री काशी विश्वनाथ भी जरूर जाते हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस देव दीपावली पर वाराणसी आने वाले पर्यटक काशी विश्वनाथ धाम की अलौकिक छटा की साक्षी बने। इसके लिए पूरे धाम के परिसर को लोकार्पण की तर्ज पर सजाने संवारने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।